Hello and welcome back once again. So in this lecture we will try to discuss how to calculate median for discrete frequency distribution. Discrete frequency distributions kone kyo friends pehla ye samjhi lo. When the values are given like this, tumne xi apu hoy ane fi apu hoy, barabar chhe. When xi and fi are given, then it is called discrete frequency distribution. Xi ane fi. तो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन वेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन फॉर्म्यूला फ्रेंड्स इट रिमेन सेम मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन लाइक अनग्रुप डेटा नाउ लेट अस प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 20 द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग अ मंथ फाइंड मीडियन नंबर ऑफ एब्सेंट डेज पर स्टूडेंट तो बे कॉलम्स तमने आपी एक आपू है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सैकंड है नंबर ऑफ एब्सेंट डेज तो नंबर ऑफ एब्सेंट डेज एने तमे एक्स थी डिनोट करो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एफ थी डिनोट करो तो हियर दे हैव प्रिपेर्ड अ होरिजेंटल टेबल तमे आ वर्टिकल भी बनाई सको एक्स आई एफ आई नाउ यू विल फाइंड सी एफ आई सी एफ आई मीन्स क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसी तो पहले एक्स आई जीरो वन टू थ्री फोर ए रीतना लखी नाखवानुं 8, 12, 18, 9 ये रीतना लखी नाखवानुं बराबर हवे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसी कई रीतना फाइंड आउट थाय तो पहला जीरो नी सामे 8 छे तो 8 पछी 8 प्लस 12 केटला थया 20 पछी 20 प्लस 18 केटला थया 38 38 प्लस 9 केटला थाय 47 एंड सो ऑन तमारी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसीस तमने मळी जाय बराबर छे आई थिंक आ एक थोड़ो कंसेप्ट टेन्थमां तमे शीख्या छो हाउ टू फाइंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसी तो आ रीतना तमे होरिजेंटल टेबल भी बनावी शको एक्स आई एफ आई एंड सी एफ आई पर्सनली आई इन्सिस्ट देट यू ऑल प्रिपेर होरिजेंटल टेबल सॉरी वर्टिकल टेबल अहींया जे मे बनाव्यो ए रीतनुं बराबर आ रीतना करता आप बनावशो तो वधारे सारूं रहेशे नाउ हाउ टू गो अहेड के मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन थी फॉर्म्युला इज सेम एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन केटला छे 53 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू 27th ऑब्जर्वेशन तो 27th ऑब्जर्वेशन वेर इट लाइज ओके 27 करता स्मॉलर वेल्यू कही तो 20 आ छे तो एनो मतलब 27 एनी पछी मां जोई के नहीं एटले आ 38 मां 27 आवी गयो होय के नहीं तो आनी सामे जे xi होय दैट इज युअर आंसर तो m इज इक्वल टू 2 इज युअर आंसर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कई रीतना जुवानुं 27 करता स्मॉलर सी एफ आई जो तो स्मॉलर सी एफ आई इज 20 एनो मतलब 20 सुधीना ऑब्जर्वेशन अहीं आव्या तो 27 नेक्स्ट में जाए 38 में तो 38 नी सामे जे एक्स आई छे देट विल बी आर मीडियन सो आंसर ऑफ मीडियन इज 2 ओके फ्रेंड्स आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग क्लियर नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 there is a little change example 21 the time required for typing a report by different typists is given in the following data find median typing speed or time using it so like previous sum tumne be columns aapi didi xi and fi here also you will prepare the same table that is xi एफ आई एंड सी एफ आई आ रीतना वर्टिकल टेबल बनाई नाखवानुं एक्सनी अंदर 10 11 12 13 14 पछी एफ आईनी अंदर 5 7 8 15 5 तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसीज कई रीतना फाइंड आउट करीशुं आपणे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वंसीज कई रीतना फाइंड आउट करीशुं तो पहला 5 एज इट इज 5 प्लस 7 12 12 प्लस 8 20 प्लस 15 35 प्लस 5 40 એ રીતના તમને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીઝ મળી ગઈ લાઈક પ્રીવિયસ સમ નાવ હિયર ધ ચેન્જ ઇઝ વોટ દેટ યુ હેવ ટુ નોટિસ કે તમે મીડિયન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એન ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર 40 તો એન પ્લસ વન બાય ટુ 40 પ્લસ વન બાય ટુ એટલે 20.5 ઓબ્ઝર્વેશન્સ હવે 20.5 ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમે ટેબલની અંદર જોવા જાઓ તો 20 કરતાં લેસ વેલ્યુ તો છે જ નહીં 20 એક્ઝેક્ટ તમને આપી દેટ ઇઝ ધીસ જો 21 હોય તો તમે 35માં છે એવું સમજી શકો બરાબર છે બટ એક્ઝેક્ટ 20th ઓબ્ઝર્વેશન્સ
तो आम 20.5 है, यो मतलब 20th ऑब्जर्वेशन्स 12 थी, अने 20.5 ऑब्जर्वेशन्स आम आ गए कि नहीं आ फ्रीक्वंसी की अंदर 20 पची 20 बनावा तो 20.5 यानी अंदर इन्क्लूड थी हो, तो वी हेव टू टेक दी एवरेज ऑफ 12 एंड 13 एज अवर आंसर। तो तुम सॉल्यूशन की अंदर जुओ कि वेल्यू ऑफ 20.5 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू वेल्यू ऑफ 20th ऑब्जर्वेशन 21st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो 12 प्लस 13 में हमने तुमने समझा डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर तुम्हें जो 12.5, तो 12.5 इज योर आंसर ऑफ मीडियन। ओके फ्रेंड्स, चलो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आ क्लास आप कई रीतना फाइंड आउट करूँ दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।